जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नोपाजी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट की ओर से अभी अभी जो है वो एफडी के रेट्स में बढ़ोतरी की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यू अभी एफडी के रेट्स। और ये जो एफडी के रेट्स हैं ये 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो है वो लागू होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यू एफडी के इंटरेस्ट रेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आपके सामने मैंने जो है वो अभी इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन कर ली है। अब सिंपली जैसे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट। तो ये है हमारे एफडी के न्यू इंटरेस्ट रेट। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 1/10/2023, मतलब 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक जो है वो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लागू हो गए हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप एक साल की एफडी करते हो पोस्ट ऑफिस में तो अभी आपको 6.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप 2 साल की एफडी करते हो तो आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप 3 साल की एफडी करते हो तो आपको सेम 7% का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप 5 साल की एफडी करते हो तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, जैसे कि आप एफडी जो है वो मिनिमम 1000 रुपये से कर सकते हो और मैक्सिमम में यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने अमाउंट चाहे उतने अमाउंट की यहाँ पे एफडी जो है वो कर सकते हो। सो बेसिकली ये जो इंटरेस्ट रेट है ये अभी बढ़ाए गए हैं पोस्ट ऑफिस की ओर से। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।